हाई एवरी वन दिस इज़ वोनिका आज का टॉपिक हमारा इंटरनेशनल पेट ट्रेड पे है डिसअपियरेंस ऑफ इंडियन स्टार टोटाइज तो यहाँ पर हम इंडियन स्टार टोटाइज़ की बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से इसको इलीगली ट्रेड किया जा रहा है आपकी कोई भी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टू क्या दो वी कैन मेक अज डिफ्रेंस है फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पी डी एफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा बाकी इसके बारे में आप प्रिंट मीडिया में भी देख सकते हैं देखिए इंडियन स्टार टोटाइज जो हैं ये कछुए देखने में बहुत ही सुंदर दिखते हैं जिस तरह से आप पिक्चर में भी देख सकते हैं और काफ़ी सुंदर हैं येलो और ब्लैक स्टार शेप्ड पैटर्न्स इनकी शेल्स पे आपको मिलेंगे अब ये इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका तीन देशों में इनके कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं यूजुअली ड्राई ग्रासलैंड्स और स्क्रब एरियाज़ में ही आपको मिलेंगे तो इंडिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटिव रेंज जो है इंडियन स्टार टॉटाइज की आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर इनका हैबिटेट है फैले हुए हैं अब हमने किस तरह के केसेस देखे कि सूट केसेस में लोग इनको भर के लेके जा रहे हैं शॉपिंग बैग्स में आ, कूल बॉक्सेस में इनको ट्रैप रखते हैं बिकॉज इसको एज अ पेट यूज़ किया जाता है हर साल थाउजेंड्स ऑफ इंडियन स्टार्टाइजर्स जो हैं उनको ट्रैफिक किया जाता है उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है ट्रैफिकिंग का मतलब है इलीगल ट्रेड की जाती है नेटिव इंडिया श्रीलंका से उनको बाकी देशों में ले लिया जाता है और कई बार जब तक ये बिकते इनको हॉरिफिक कंडीशंस में रखा जाता है बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन में नहीं रखा जाता अब इनमें से बहुत सारे स्टार टोटाइज ऐसे हैं जो कि एग्जॉटिक पेट्स हैं लोग उनको एज अ पेट रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जैसे साउथ ईस्ट एशिया यूरोप यूनाइटेड स्टेट्स इन एरियाज़ में मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे एज़ अ पेट उनकी डेस्टिनी रहती है देखने में क्योंकि बहुत सुंदर हैं और इनकी केयर हर कोई पेट इस तरीके से चाहता है कि उसको ईजी हो केयर करना तो एक बहुत इनकी केयर करना भी ईजी है और इनका लाइफ स्पैन भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लंबा है तो ये क्वालिटीज़ हैं इनकी जिस वजह से लोग इनको पेट रखना पसंद करते हैं लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है डिग्रेडेशन हो रही है हैबिटेट की इंटरनेशनल पेट ट्रेड में इनको कलेक्ट किया जा रहा है और इस स्केल तक इनकी ट्रेडिंग पहुंच गई है कि इनका जो सर्वाइवल है वाइल्ड में वो अंडर थ्रेट है यानी एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं अगर बिना रेगुलेशन के इस तरीके से इसकी ट्रेडिंग अगर होती रही ओके okay, तो इस वजह से ये अभी न्यूज़ में है एक रिसर्च हुआ 2016 में जहाँ पे पाया गया कि स्टार टोटाइज तो, तो, जो है उसको इलीगल ट्रेड में और जितनी भी टोटाइज की स्पीशीज़ हैं टोटाइज़ की स्पीशीज़ हैं उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा इलीगल ट्रेडिंग आपकी स्टार टोटाइज की होती है अब ये थ्रेट्स हैं इन वजह से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ़ कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है आई जो है उन्होंने इसको किस कैटेगरी में रखा है वलनरेबल कैटेगरी में रखा है वलनरबल वलनरेबल कैटेगरी में रखने का मतलब है कि एंडेंजर्ड से सिर्फ एक स्टेप पीछे है बहुत जल्दी एंडेंजर्ड भी हो सकता है सो तो ये ऑलरेडी रेड लिस्ट जो है थ्रेटिन स्पीशीज़ की उसमें एंटर कर चुका है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन इज ऑन डिक्लाइन टू थाउजेंड नाइनटीन में अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड जो है इंडियन स्टार्ट ऑर्टाइज की उसको बैन कर दिया गया था बिल्कुल बंद कर दिया गया था और ऐसा क्यों किया गया था क्योंकि उस टाइम इस स्पीशीज़ को अपनडिक्स वन जो है यूनाइट नेशनस का जो साइट्स है यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा उसमें उसके अपेंडिक्स वन में इसको ऐड किया गया वन में ऐड करने का मतलब है कि इसका कमर्शियल ट्रेड नहीं हो सकता और यहाँ से जो एफर्ट्स हैं इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश सेनेगल जहाँ जहाँ ये पाया जाता है हर तरफ से एफ़र्ट्स जो हैं वो लगाए गए थे इससे पहले इंडिया में अगर आप देखेंगे इंडियन स्टार टॉइज स्टार टोटाइज जो है इससे पहले अपेंडिक्स वन में आने से पहले अपेंडिक्स टू में था अपेंडिक्स टू का मतलब है कि ट्रेडिंग इसकी हो सकती है लेकिन रेगुलेटेड आपको इसके परमिट्स एक्सपोर्ट परमिट लेने होंगे फिर आप ट्रेड कर सकते हैं लेकिन अब तो कह रही है अपेंडिक्स वन वन में आ गया ये भी अलाउड नहीं है बट पहले इसके एक्सपोर्ट परमिट्स के लिए इसको ट्रेड किया जा सकता था लेकिन अपेंडिक्स वन सॉरी पहले अपेंडिक्स append, टू में होने के बावजूद भी ये देखा गया जो भी लोग इसकी ट्रेडिंग करते थे कोई भी परमिट नहीं लेता था कमर्शियल एक्सपोर्ट हो रहा था टोटाइजिस का वाइल्ड से इंडिया श्रीलंका पाकिस्तान इस वजह से देखा गया कि इसका एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है अपेंडिक्स टू में रखने के लिए इसलिए इसको अपेंडिक्स वन में शिफ्ट किया गया तो आप ये मान लीजिए कि स्टार टॉयटाइज़ आज भी इलीगली ट्रेड हो रहे हैं इनके थाउजेंड्स के नंबर्स में 2017 में ही सिक्स इंडियन स्टार ऑर्जेज जो हैं उनको सीज़ किया गया अलग अलग इंसिडेंट्स में इलेवन इंसिडेंट्स में अलग अलग देशों में इंडिया में श्रीलंका कम्बोडिया मलेशिया सिंगापुर थाईलैंड ओके okay, तो ये इसका करेंट अफेयर है इस पर हमने पहले भी एक न्यूज़ बनाई थी एक आर्टिकल कवर किया था इंडियन स्टार टोटाइज पे क्योंकि सीज एयरपोर्ट पे सीज किया गया था उस टाइम कहा गया था कि क्रैब्स लेके जा रहे हैं लेकिन बाद में चेक किया गया तो क्रैब्स नहीं थे क्या था वो स्टार टोटाइज थे अब इनके बारे में जानते हैं इंडियन स्टार जो है स्टार टोटाइज जो है ये इंडियन सब में पाया जाता है मोर स्पेसिफिकली सेंट्रल साउथ पार्ट्स जो है इंडिया के वेस्ट पाकिस्तान हो गया श्रीलंका हो गया तो ये इसका जोग्राफिकल हैबिटेट है कि कहाँ कहाँ ये पाया जाता है मेन दो थ्रेट्स हैं इसको एक तो इसका हैबिटेट खत्म हो रहा है जहाँ ये रहता है क्योंकि जो हैबिटैट का इसका एरिया है उसको एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किया जा रहा है दूसरा इ लीगल हार्वेस्टिंग कि इसको इसकी हारवेस्टिंग हो रही है जैसे ही इसके यंग वंस होते हैं उनको ले लिया जाता है पेट ट्रेड या इलीगल ट्रेडिंग उसकी शुरू की जाती है अब वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की माने तो 90% परसेंट ट्रेड जो है स्टार्ट टोटाइज उटा, की वो इंटरनेशनल पेट मार्केट में जाता है यानी सीधा यहाँ से बाहर जाता है बाहर की कंट्रीज़ में लोग जो पेट मार्केट है वहाँ पे 90% परसेंट चला जाता है और ये उसका टोटली एक्सप्लोइटेशन है अगर ये ऐसा ही होता रहा एक्सपैंड होता रहा तो ये एक्सटिंक्ट भी हो सकता है अब देखिए इसका एक्सटेंशन इन्होंने बोल दिया कि डिक्लाइन ऑफ ग्रेटर देन थर्टी परसेंट वॉज प्रोडिक्टेड बाई टी फाइव इसकी पॉपुलेशन में इतना डिक्लाइन तो हो ही जाएगा अब इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड की बात करें देखिए दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस कि इलीगल वाइल्ड लाइफ क्योंकि वाइल्ड लाइफ में सिर्फ स्टार टोटाइज़ की बात नहीं है हमने पैंगोलिन देखे बहुत सारे और एनिमल्स देखे जिनका इलीगल ट्रेड होता है वाइल्ड लाइफ क्राइम जो है ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो कि बहुत ज़्यादा पैसों में चल रहा है वाइल्ड लाइफ क्राइम और ये डेंजरस इंटरनेशनल नेटवर्कस जो हैं बहुत बड़े बड़े लोग इसमें माफियाज़ इंक्लूडेड हैं जो वाइल्ड लाइफ एनिमल पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले के जाते हैं जिस तरह से आपके ड्रग्स और आर्म्स का रैकेट चलता है बड़े बड़े माफिया होते हैं वैसे ही वाइल्ड लाइफ क्राइम भी है तो जिस तरह की इसकी नेचर है ये बहुत इम्पॉसिबल तो है हमारे पास कि हमारे पास कोई पुख्ता फिगर्स आएँ कि क्या वैल्यू है क्योंकि इनकी वैल्यू बढ़ती ही रहती है चेंज होती रहती है जो ट्रैफिक में एक्सपर्ट्स रहते हैं ट्रैफिकिंग में डील करते हैं वो बताते हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ये जो बिज़नेस है इलीगल बिज़नेस ये चलता है अब कई सालों से इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है ये एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसनेशनल क्राइम बन चुका है जिसकी वजह से बहुत से स्पीशीज़ उनकी पॉपुलेशन ख़तरे में हैं इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए होता है जैसे कि मोंगूज हेयर स्नैक स्किन राइनो हॉर्न टाइगर लेपिड क्लॉज, बोन स्किन विस्कर्स, एलिफेंट टस्क डियर एंटलर्स तो इन सब में इलीगल ट्रेड होता है इस ट्रेड का एक बड़ा पार्ट इंटरनेशनल मार्केट में जाता है क्योंकि इनमें से बहुत सी चीज़ों की डायरेक्ट डिमांड इंडिया में नहीं है लेकिन वो एनिमल्स इंडिया में पाए जाते हैं तो उनको बाहर ट्रेड किया जाता है तो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इंडिया में आप डब्ल्यू डब्ल्यू एफ़ की साइट में भी इसके बारे में जान सकते हैं अब इंडिया की ऑल दो हमारे पास बहुत अच्छी लीगल पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क्स हैं कि हम रेगुलेट कर पाएँ रेस्ट्रिक्ट कर पाएँ वाइल्ड लाइफ ट्रेड को जैसे कि ट्रेड अराउंड एटीन हंड्रेड स्पीशीज़ में वाइल्ड एनिमल्स प्लांट्स और उनके डेरेवेटिव की प्रोहिबिटेड है हमारे देश में नहीं अलाउड है अराउंड एटीन हंड्रेड स्पीशीज़ जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू में कि उनकी इलीगल या किसी भी तरह की ट्रेड उनमें नहीं हो सकती ऊपर से इंडिया मेंबर भी है साइट्स का साइट्स आपकी जो इस तरह की ट्रेडिंग है उसको रोकता है सिंस 1976 हम इसका मेंबर हैं साइट्स इस तरह का एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है अलग अलग गवर्नमेंट्स के बीच में जिसका एक ही मकसद है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो इस तरह के स्पेसिम्स हैं वाइल्ड एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं जिनका सर्वाइवल खतरे में है उनमें ट्रेड ना हो तो इंटरनेशनल ट्रेड लिए रोकी गई है इंडिया में इसके अच्छे प्रोविजंस हैं और इंडिया में बाकी देशों के लिए फिर भी प्रॉब्लम्स हैं कई बार लोग लॉज को ओवरकम कर जाते हैं बट स्टिल पॉजिटिव एफर्ट्स जो है वो लगाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ ट्रेड कंसर्न्स के लिए कि हम इसको रोक पाएं करंटली अगर आप देखेंगे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वो इस ट्रेड को देखती है नए रूल्स आते हैं उसके अंडर ओनर्स या पोजेसर्स जो इस तरह के एनिमल्स बर्ड्स रखते हैं उनको उनके पास जो भी स्टॉक है उनको रजिस्टर करना है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो स्टेट का है उसके साथ कि मेरे पास ये वाला पेट है मैंने बाहर से मंगवाया है या ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है वलनरेबल स्पीशीज़ है जो भी उसको रजिस्टर ज़रूर करना है अगर उनके पास पहले से वैसा कुछ पोजेसन है अब इंडिया ने रिसेंटली कुछ रूल्स लाए कि अगर कोई इम्पोटर है उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऐड करना है कोई ऑफिशियल्स हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के इन्वेंट्री प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो ट्रेडर्स हैं वो चेक कर सकते हैं कि क्या इन ये जो फैसिलिटीज़ हैं ट्रेडर्स चेक नहीं कर सकते वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग ऐसे जो ट्रेडर्स इस तरह का स्टॉक रखते हैं वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि क्या इस तरह के एनिमल्स को अच्छी कंडीशनस दी गई हैं और जो लोग ऑलरेडी एग्जॉटिक एनिमल्स रख रहे हैं उनके पास छः महीने का टाइम गवर्नमेंट ने दिया था कि आप बताइए कि आपके

क्राइम के खिलाफ लड़ने के लिए ये रूल्स जो हैं वो लेके आए तो कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं इस तरह की एडवाइजरीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं कि गवर्नमेंट किसी तरह का एफर्ट लगा रही है रेगुलेट करने के लिए कि जो ट्रेड है एग्जॉटिक एनिमल्स में हम उसको रोक सकें क्योंकि इसमें रेगुलेशन की अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कमी है प्रॉपर रेगुलेशंस की ज़रूरत है एग्जॉटिक एनिमल ट्रेड को रोकने के लिए क्योंकि इसके साथ बहुत सारे रिस्क और कॉस्ट्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं आई होप ये आपको समझ में आएगा एक तो हमने इंडियन स्टार टोटाइज की बात की कि किस तरह से इलीगल ट्रेड हो रहा है और दूसरा अदरवाइज भी इन जनरल इलीगल ट्रेड के बारे में बात की कि कितना बड़ा क्राइम ये है और किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं इसको मैनेज और रेगुलेट करने के लिए क्वेश्चन आपके लिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन स्टार टोटाइज दे आर सो नेम्ड ड्यू टू येलो एंड ब्लैक स्टार शिप पैटर्न ऑन देअ शेल्स आई सीन कैटेगराइज द इंडियन स्टार टोटाइज एज इन डेंजर्ड आप मुझे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं दूसरी बात अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज ई पे भी अवेलेबल हैं अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं वीरो थर्टी थ्री डिस्काउंट आपको इस पर मिलेगा थैंक यू सो मच